ओके स्टूडेंट्स, जब तक लेक्चर अपलोड होता है आप लोग अपने क्वेश्चंस पूछ लो, जिस जिसका क्वेश्चन है प्रीवियस लेक्चर में। और एग्जाम की तैयारी कैसी जा रही है आप लोगों की, क्योंकि मंडे को तो मंडे से मेरे ख्याल में आप लोगों के एग्जाम्स है ना। सर टाइप फोर स्टार्ट से दोबारा पढ़ा दीजिए, कल नेटवर्क का इश्यू ही आ रहा था। ठीक है, टाइप फोर में दोबारा पढ़ा दूंगा। और किसी का कोई इश्यू? किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। जब तक लेक्चर अपलोड होता है आप लोग क्वेश्चन पूछ लो। सर डिप्रेशन पर ही तैयारी हो रही? डिप्रेशन में क्या, डिप्रेशन में तैयारी तो नहीं हो रही? किस चीज का डिप्रेशन है आप लोगों को? नॉन इंडिजिनस स्पीशीज, दो वर्ड्स है। नॉन इंडिजिनस का मतलब क्या है? नॉन इंडिजिनस का मतलब है नॉट प्रोड्यूस या नॉट ग्रोइंग या नॉट लिविंग। नॉन इंडिजिनस स्पीशीज कहाँ पे किस में, क्या नाम है, लेक्रिमल सेक्रेशन का मतलब है ये जो टीयर्स आ रही है, आंसू जो आते हैं इसे लेक्रिमल सेक्रेशंस कहते हैं। माइकोप्लाज्मा स्पीशीज में सेल वॉल क्यों नहीं होती? उस क्यों नहीं होती, क्यों का मतलब क्या है? नहीं है तो नहीं है। सेप्सिस, एसेप्सिस और एसेप्टिक में डिफरेंस बता दो। ठीक है, और एसेप्टिक, एसेप्टिक का मतलब है, देखो सेप्सिस का मतलब है इन्फेक्शन, इन्फेक्शन इन ब्लड इज नोन एज सेप्सिस। एसेप्सिस का मतलब है इन्फेक्शन से पाक साफ, उसे कहते हैं एसेप्सिस। एसेप्टिक का मतलब है जो हम टेक्निक यूज कर रहे हैं, जो चीज हम यूज कर रहे हैं उसे हम कहते हैं एसेप्टिक। ठीक है, सफाई के लिए। ओके, नॉन इंडिजिनस स्पीशीज माइक्रो में, नॉर्मल फ्लोरा के अंदर है। ठीक है, नॉर्मल फ्लोरा। नॉर्मल माइक्रोबियल फ्लोरा। एक मिनट, हम मुझे देखने दे, एक देखो। नॉर्मल फ्लोरा, ओके। नॉर्मल फ्लोरा में नॉन इंडिजियस सब्सटेंस, नॉर्मल फ्लोरा कहाँ पे है नॉर्मल फ्लोरा में? ठीक
ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, कोई इश्यू नहीं है। स्लाइड नंबर कौन सा है नॉर्मल फ्लोरा में? स्लाइड नंबर लास्ट स्लाइड में, ओके। लास्ट स्लाइड में तो नहीं है, स्टरलाइजेशन टॉपिक्स में क्लेरिफिकेशन नहीं, नेटवर्क इशू का स्लाइड है। ठीक है, स्टरलाइजेशन वाला भी मैं कर दूंगा, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन कहाँ पे है जो आप लोग अभी पूछ रहे हो, नॉन इंडिजियस स्पीशीज वाला? कोई स्लाइड नंबर बता दे मुझे। ठीक है, मुझे नहीं मिल रहा कि नॉर्मल नॉन इंडिजियस स्पीशीज कहाँ पे है, लेकिन मैं वैसे मतलब बता देता हूँ, ठीक है। बाकी आप जब स्लाइड नंबर बताएंगे तो फिर वो मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन नॉन इंडिजियस स्पीशीज का मतलब ये होता है कि वो स्पीशीज जो कि अपने प्रेजेंट या पास्ट जो उनका नेचुरल रेंज है ना, नेचुरल रेंज से आउटसाइड जो वो इंट्रोड्यूस करते हैं, आउटसाइड जो वो रिप्रोड्यूस करते हैं। इसका मतलब ये है कि ये वो स्पीशीज है जो कि सब्सिक्वेंटली जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं नॉन इंडिजियस स्पीशीज। ठीक है, समझ आ गई। नॉन इंडिजियस स्पीशीज क्या है? नॉन इंडिजियस स्पीशीज वो है जो कि अपनी नेचुरल रेंज से बाहर जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं, वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, उसे नॉन इंडिजियस स्पीशीज कहते हैं। ठीक है, मुझे अब स्लाइड नहीं मिल रहा कि किस स्लाइड पे है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि स्टरलाइजेशन के लास्ट कुछ टॉपिक जो है उसमें क्लेरिफिकेशन नहीं है, नेटवर्क इशू था स्लाइड का, नहीं मूव हो रहे थे, ठीक है। वो हम इंशाल्लाह कल या जो अच्छा नेक्स्ट वीक में तो आप लोग का एग्जाम है, चलो वो मैं हेयर ग्रुप में जो वही एक्सप्लेन कर लूंगा, ठीक है। ग्रुप में आई थिंक कुछ बच्चों के क्वेश्चन आए थे, तो वो भी इंशाल्लाह मैं आज जो है वो उसके आंसर्स कर लूंगा, क्योंकि कल जो है वो मैं बिजी था थोड़ा सा, तो आज मैं कर लूंगा, ठीक है, आंसर्स। ओके सर, इंपॉर्टेंस ऑफ नॉर्मल फ्लोरा एडवांटेजेस में इनहिबिटरी एक्शन में है नॉन इंडिजियस, ठीक है, इनहिबिटरी एक्शन। नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा एक्सर्ट माइक्रोबियल एंटागोनिज्म अगेंस्ट नॉन इंडिजियस स्पीशीज बाय प्रोडक्शन ऑफ इनहिबिटरी फैटी एसिड परऑक्साइड्स बैक्टीरियोसिन्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि नॉर्मल फ्लोरा जो है वो हमें बचाता है किन से? नॉन इंडिजिनस स्पीशीज से। अब नॉन इंडिजिनस स्पीशीज कौन सी है? नॉन इंडिजिनस स्पीशीज वो है जो कि वो आके कहीं भी जो है वो सर्वाइव कर सकती है, तो उनसे बचाने के लिए उनसे हमें कौन बचाता है? उनसे हमें नॉर्मल माइक्रोबियल फ्लोरा बचाता है, ठीक है, क्योंकि वो
मुख्तलिफ जो है वो इनहिबिटरी फैटी एसिड जो रिलीज करते हैं, परोक्साइड्स रिलीज करते हैं, बैक्टीरियोसिंस रिलीज करते हैं, जिनकी वजह से जो नॉन इंडिजिनस स्पीशीज है वो किल हो जाते हैं और वो हमें डिजीज कॉज नहीं करती। ठीक है, अब समझ आ गई। ठीक है, कोई और क्वेश्चन? साइड्रोफोर, ठीक है। साइड्रोफोर क्या होता है? साइड्रोफोर से ये एक मॉलिक्यूल है छोटा सा, ये वो मॉलिक्यूल है जो कि आयरन के साथ बाइंड हो जाता है और आयरन को ट्रांसपोर्ट करता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक छोटा सा मॉलिक्यूल है जिसका काम है आयरन के साथ बाइंड होके आयरन को ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, इसे कहते हैं साइड्रोफोर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट कोई क्वेश्चन? ठीक है, अंबर कह रही है कि रिपीट कर दें। ठीक है, तो नॉर्मल फ्लोरा के अंदर इनहिबिटरी एक्शन में ये लिखा हुआ है कि वो हमें जो है वो एक इनहिबिटरी एक्शन भी होता है नॉर्मल फ्लोरा का। फॉर एग्जांपल नॉर्मल फ्लोरा जो है वो यहाँ पे मौजूद है, वो यहाँ पे मुख्तलिफ केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं, मुख्तलिफ जो है वो फैटी एसिड्स और बैक्टीरियोसिंस प्रोड्यूस करते हैं। इस वजह से जो बाहर से आने वाले ऑर्गेनिजम्स है वो अगर आते भी है तो वो किल हो जाते हैं। उसमें उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है नॉन इंडिजिनस स्पीशीज का। नॉन इंडिजिनस स्पीशीज वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि वो कहीं भी आके जो है वो अपनी नेचुरल जोन का एक सर्कुलर है, ठीक है, उससे बाहर जाके वो अब वो सर्वाइव कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे आते हैं वो सर्वाइव करेंगे, वो हमें डिजीज कॉज करेंगे, तो इस वजह से उनसे बचने के लिए जो है वो नॉर्मल फ्लोरा जो हमारा है वो डिफरेंट जो है वो सब्सटेंसेस जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, सिक्रीट करते हैं, रिलीज करते हैं, इस वजह से जो उन्हें किल करके उन्हें जगह नहीं मिलती और हमें जो है वो हमारे लिए ये इनहिबिटरी एक्शन जो है ये हमारे लिए एक फायदेमंद साबित होता है। ठीक है, सिलेबस सिलेबस के बारे में कम तो मुश्किल ही है कि कम कर दूं, क्यों, कितना कम करूं? सिलेबस कितना कम करूं? सिक्वेस्टर, सिक्वेस्टर जो है ना, सिक्वेस्टर का असल की में मतलब जो है वो सेपरेट होना है, आइसोलेट होना है। ठीक है, सिक्वेस्टर का मतलब है आप जब आइसोलेट होके आप बिल्कुल साइड पे चले जाते हो, आइसोलेट हो जाते हो, बिल्कुल हिडन हो जाते हो, बिल्कुल छुप जाते हो, उसे कहते हैं सिक्वेस्टर। ठीक है, नेक्स्ट। जस्ट इम्यूनिटी एक्सक्लूड कर दे प्लीज, स्लाइड कम कर दे, इम्यूनिटी खत्म कर दे एटलीस्ट सर, वाइवा के लिए कर दे प्लीज। वाइवा के लिए कम क्या मतलब? कितना कम करूं मैं आज? वायबल बैक्टीरिया, वायबल बैक्टीरिया का मतलब ये होता है कि ये वो बैक्टीरिया हैं जो ऐसे स्टेट में मौजूद है जिनके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है वो लो है, वो बैक्टीरिया जिनके अंदर जो है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी लो हो, डिवाइड भी नहीं हो रहे, ठीक है, लेकिन वो अलाइव है। अब जो आप पूछ रहे हो, ठीक है, आप किस कंटेंट से पूछ रहे हो वो आप कंप्लीट सेंटेंस लिखो, मुझे पता चलेगा कि आप क्या कह रहे कहना चाहते हो, आप क्या पूछना चाहते हो। ठीक है, वैसे अगर आप कंटेंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो वायबल मतलब है लाइव, ठीक है,
वायबल का मतलब है लाइव, लाइव बैक्टीरिया उसे हम कहते हैं वायबल बैक्टीरिया, ठीक है, जो जिंदा है। वाइवा में तो हाइपर सेंसिटिविटी मस्ट है, ठीक है, वाइवा में जो है वो हाइपर सेंसिटिविटी मस्ट है। और कोई क्वेश्चन? चिलेटिंग, चिलेटिंग क्या होता है? चिलेटिंग जो है वो असल में हम कहते हैं इसे चिलेटिंग एजेंट्स कहते हैं, ठीक है, या चिलेटिंग थेरेपी के लिए जो यूज होती है। चिलेटिंग वर्ड का मतलब क्या है? चिलेटिंग वर्ड का मतलब है हम क्या कहते हैं उसे, आप लोगों ने कभी सुना होगा उसके लिए जो थेरेपीज वगैरह होती है ना। एक मिनट में एक्सप्लेन करता हूँ। चिलेटिंग, चिलेटिंग ये कहाँ से लिया आप लोगों ने? चिलेटिंग एजेंट जो होते हैं ना, या असल में चिलेटिंग वर्ड जो है ये आप लोगों ने वहां से लिया स्टरलाइजेशन से, ठीक है। चिलेटिंग एजेंट्स होते हैं, चिलेटिंग एजेंट जितने भी टॉक्सिक मेटल्स है ना ये बॉडी से रिमूव करते हैं, इसे कहते हैं चिलेटिंग एजेंट्स। आप लोगों ने कभी थेरेपीज देखे होंगे जो लोग आते हैं पॉइजन के साथ, जिन्होंने पॉइजन लिए जो जहर खा के आते हैं, ठीक है, उन्हें हम चिलेटिंग एजेंट्स देते हैं। चिलेटिंग एजेंट्स हम उन्हें पिला देते हैं, उन्हें दे देते हैं। उस चिलेटिंग एजेंट का काम क्या होता है कि उनकी बॉडी से जितना भी हार्मफुल मटेरियल है ना वो रिमूव कर देते हैं या उन्हें न्यूट्रलाइज कर लेते हैं, इसे कहते हैं चिलेटिंग एजेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट कोई क्वेश्चन? साइटोक्रोम्स, साइटोक्रोम जो है वो क्या है? साइटोक्रोम जो है वो ये वो कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर हीम प्रेजेंट होता है लेकिन वो प्रोटीन के साथ बाइंड होता है। साइटोक्रोम का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना। ये एक मेटाबॉलिक पाथवे है, सेलुलर रिस्पायरेशन के दौरान ये यूज होता है, ठीक है। सेलुलर रिस्पायरेशन के दौरान साइटोक्रोम एक ऐसी बॉडी है जिसका काम है मेटाबॉलिक पाथवे बना के उसके और इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर करना। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एजेंट से सेल के अंदर, ठीक है, ओके। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब ये, एक्सपोनेंशियल हम किस चीज को कहते हैं जिसके ऊपर पावर आता हो, ठीक है, पावर। फॉर एग्जांपल 1 to the power 1, 1 to the power 2, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3 से एक्सपोनेंशियल कहते हैं। तो हमारा ग्रोथ जो है, हमारा नहीं बल्कि बैक्टीरिया का ग्रोथ जो है वो किस तरह जाता है, वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है। 2 to the power 2, 2 जो है वो 1 से 2 बनते हैं, 2 से 4 बनते हैं, 4 से 8 बनते हैं, इसी तरह। तो ये एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है, ठीक है। सर आप पढ़ाने की बात पढ़ने से भी कुछ अदीना किस चीज की समझ नहीं आ रही? किस चीज की समझ नहीं आ रही है दीना आपको? हाइपर सेंसिटिविटी की समझ नहीं आ रही? लैक्रिमल सिक्रीशंस जो आंखों से जो पानी निकलता है, जो आंसू निकलते हैं, इसे लैक्रिमल सिक्रीशंस कहते हैं। सारा एक कॉन्सेप्ट, किसी भी चीज की समझ नहीं आ रही।
चिलेटिंग एजेंट्स का मतलब ये वो एजेंट्स हैं जो हमारी बॉडी से हार्मफुल इफेक्ट जो है वो खत्म कर दे, हार्मफुल चीजें जो है वो न्यूट्रलाइज करके बाहर निकाल लेती है। अच्छा अदीना, आपको माइक्रो की किसी भी चीज की समझ नहीं आ रही या सिर्फ हाइपर सेंसिटिविटी की समझ नहीं आ रही, ये मुझे बता दें। इंस्पिरेशन का मतलब ये है कि हम कोई चीज जो है वो इंस्पायर करे, मतलब हमारे जिस तरह हम कहते हैं ना पानी जब वो, या पानी या कोई भी चीज हो, जब वो चीज उसकी तरफ जाए फूड पाइप के जरिए, जब विंड पाइप के अंदर जाए ना, ट्रेकिया के अंदर जाए, उसे इंस्पिरेशन कहते हैं, इंस्पायरेट कहते हैं। ठीक है, इंस्पायरेट जो चीज होता है उसे इंस्पायरेट कहते हैं, और इस अमल को इंस्पायरेशन कहते हैं। कोई भी चीज जब फूड पाइप के बजाय विंड पाइप के अंदर जाए, मतलब ट्रेकिया के अंदर जाए, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम इंस्पिरेशन कहते हैं। जीआई सिस्टम के बजाय जब रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर कोई चीज जाए उसे हम स्पिरेट कहते हैं। ठीक है, हाइपर सेंसिटिविटी की समझ नहीं आ रही, बाकी समझ आ गई है। ठीक है, हाइपर सेंसिटिविटी की नहीं आ रही, चले हाइपर सेंसिटिविटी में और भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। ठीक है, एक और लेक्चर बना लेता हूँ सिंप्लीफाई करके, तो फिर वो इंशाल्लाह पढ़ लेते हैं। लेकिन ये है कि ये इंपॉर्टेंट है हाइपर सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा। ठीक है, आप लोग को समझ नहीं आ रही, मैं दोबारा पढ़ा दूंगा। टाइप वन टाइप टू की समझ आ रही है, ठीक है, टाइप थ्री मिक्स हो रहा है। ठीक है, अगर टाइप थ्री और टाइप फोर मिक्स हो रहा है तो टाइप थ्री और टाइप फोर हम दोबारा पढ़ लेंगे। ठीक है, ओके, और कोई क्वेश्चन? ठीक है, टाइप फोर की भी, टाइप फोर में दोबारा पढ़ा दूंगा। टाइप फोर में वैसे इतना कुछ है तो नहीं, टाइप फोर तो बहुत इजी है। आपको सिर्फ टाइप वन की समझ आ रही, बाकियों की नहीं, बाकी पर नहीं पढ़ा। ठीक है, बाकी हम दोबारा पढ़ लेंगे। ठीक है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन, कोई और क्वेश्चन? फॉर्माइट्स, ठीक है, फॉर्माइट्स वो ऑब्जेक्ट्स, वो मटेरियल जो कि इन्फेक्शन कैरी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे कपड़े जो है वो एक जगह से दूसरी जगह इन्फेक्शन कैरी कर सकते हैं। यूटेंसिल्स, बर्तन वगैरह, फर्नीचर्स, ये सारी चीजें जो है ये क्या, ये फोमाइट्स है। फोमाइट्स वो नॉन लिविंग्स जो इन्फेक्शन कैरी कर सकते हैं, इन्फेक्शन ट्रांसफर कर सकता है, वो क्या है, उसे फोमाइट्स बोलते हैं। ठीक है, ओके, इसके अलावा चले काम करते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी जो है वो एक्सक्लूड कर लेते हैं इस एग्जाम से। ठीक है, लेकिन इम्यूनिटी जो था ना वो पढ़ना है। ठीक है, हाइपर सेंसिटिविटी मुझे पता है, हाइपर सेंसिटिविटी जो भी मुश्किल है, कोई इशू नहीं है। चलो,
हाइपर सेंसिटिविटी जो है वो हम एग्जाम के बाद कर लेंगे। और लेकिन ये कि जो इम्यूनिटी वाली पीपीटी है ना वो इंक्लूड है। ठीक है, ओके। किसी का कोई और क्वेश्चन, कोई और क्वेश्चन? सिर्फ हिरासत पर क्वेश्चन पूछ रही है, बाकी कोई और क्वेश्चन नहीं पूछा? कोई और क्वेश्चन? इसका मतलब है सिर्फ वो पढ़ रही है। चले, शमसा जावेद कह रही है कि हाइपर सेंसिटिविटी इंक्लूड कर दे और इम्यूनिटी एक्सक्लूड कर दे, आप क्या करें? जावेद कह रही है कि इम्यूनिटी जो है वो एक्सक्लूड कर दे और ये इंक्लूड कर दे, तो आप लोग आपस में खुद डिसाइड कर दो। ऑटोक्लेव, ऑटोक्लेव ठीक है। इसके अलावा इननेट और एडेप्टिव इम्यूनिटी में क्या फर्क है? इननेट इम्यूनिटी वो होती है जो बाय बर्थ होती है। इननेट का मतलब है बाय बर्थ, ठीक है, जेनेटिक, बाय बर्थ, जेनेटिक तो नहीं कह सकते, बाय बर्थ कहते हैं। इननेट का मतलब है बाय बर्थ, एडेप्टिव इम्यूनिटी है जो बाद में अडाप्ट हो जाती है। ठीक है, ओके। ऑटोक्लेव, ऑटोक्लेव का क्या मतलब है? ऑटोक्लेव जो है, ऑटोक्लेव में हम क्या देते हैं, किस ऑटोक्लेव में किस चीज की समझ नहीं आ रही ये बताओ मुझे। ऑटोक्लेव के अंदर क्या करती है? ऑटोक्लेव के अंदर हम हीट देते हैं। ठीक है, ऑटोक्लेव एक ऐसा मशीन होता है, इस ऑटोक्लेव मशीन के जरिए जो है हम हीट देते हैं इसमें, इंडस्ट्रियल और साइंटिफिक जो भी है, जो हमारी मोस्टली जो हमारी जितनी भी मटेरियल है। अब इसमें क्या होता है, ऑटोक्लेव स्टरलाइजेशन के अंदर बात कुछ चीज़ें स्पेसिफिक है, हीट तो बाकियों में भी है कुछ, ड्राई हीट और वो बाकी कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, लेकिन इसमें जो स्पेसिफिक है वो इसका टेम्परेचर और इसके टाइमिंग, ये दो चीज़ें स्पेसिफिक है। ठीक है, 121 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम टेम्परेचर देते हैं, और कितनी देर तक देते हैं ये चीज़ें जो है ये इंपॉर्टेंट है ऑटोक्लेव के अंदर। ठीक है, ऑटोक्लेव में आप लोगों ने टाइम और जो मेन चीज है वो हीट कितना देते हैं, टाइम कितना है, ठीक है, और किन किन चीजों को हम ऑटोक्लेव करते हैं, वो चीजें जिनके ऊपर स्पोर्स बने हैं, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स ने स्पोर बनाए हैं, बाकी और वो बाकी स्टरलाइजेशन मेथड्स जो भी जितने भी हमारे पास मेथड्स है स्टरलाइजेशन की, उनसे जो है वो स्टरलाइज या डिसइंफेक्ट नहीं होते, तो हम उन चीजों को किस चीज से करते हैं, ऑटोक्लेव से करते हैं। नोसोकोमियल इन्फेक्शन का शॉर्ट रिव्यू दे दूं। नोसोकोमियल इन्फेक्शन क्या होते हैं? नोसोकोमियल इन्फेक्शन को हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कहते हैं या हॉस्पिटल बॉर्न इन्फेक्शन कहते हैं। हॉस्पिटल के अंदर जो इन्फेक्शन आपको कॉज होते हैं उसे हम कहते हैं नोसोकोमियल इन्फेक्शन। अब ये नोसोकोमियल इन्फेक्शन जो है ये किस तरह एक बंदे से दूसरे बंदे में जो है वो ट्रांसफर हो सकते हैं, ये जो है वो थ्रू कॉन्टेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हो सकते हैं, तो इसके अलावा वो एयरबोर्न हो सकते हैं और इंटीमेट से हो सकते हैं, इंटीमेट टच से, या जो है वो हम जिस तरह हमने अभी बात की फोमाइट्स वगैरह के जरिए हो सकते हैं। ठीक है, नोसोकोमियल इन्फेक्शन में क्या पढ़ाऊं मैं आपको,
कोई मतलब मुझे कोई स्पेसिफिक कोई चीज जिसकी समझ ना आ रही हो, पूछ लो आप। स्टरलाइजेशन अभी पढ़ा दूं, मरसा बता दो। मरसा का मतलब है मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्ट्रेप्टोकोकस ओरियस, जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया होते हैं ना, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट स्ट्रेप्टोकोकस ओरियस को हम मरसा कहते हैं। अदील सारे कह रहे हैं हाइपर सेंसिटिविटी जो है वो आप एक्सक्लूड कर दें, और आप कह रहे हैं कि उसी को इंक्लूड कर लो। आप और शमसा दोनों ने मेरे ख्याल में पढ़ा है ये हाइपर सेंसिटिविटी। टाइम गुजर रहा है, क्या करवा दूं आप ये बताओ मुझे। HICC की फंक्शंस बता दो। ह्यूमरल इम्यूनिटी, कल किसी से एक लेक्चर दे दो। चल मैं देखता हूँ, अगर किसी टीचर का कल लेक्चर फ्री हुआ तो मैं उनसे लेक्चर लेके फिर कोई चीज़ जो वो रिपीट कर लेंगे। ठीक है, ओके। आज क्या रिपीट कर लूँ ये बताओ मुझे। नोजोकोमियल इन्फेक्शन रिपीट कर दूँ, चले नोजोकोमियल इन्फेक्शन जो है वो सुन ले आप लोग, अगर वो रिपीट करना चाहते हो तो। सबसे पहले ये कि नोजोकोमियल इन्फेक्शंस क्या है, तो नोजोकोमियल इन्फेक्शन जितनी भी आफ्टर एडमिशंस इन्फेक्शंस आती है हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है, उसे हम जो है वो, या हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान जितनी भी इन्फेक्शंस आती है उनको हम नोजोकोमियल इन्फेक्शंस कहते हैं। इसको हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, हॉस्पिटल एसोसिएटेड इन्फेक्शन, हॉस्पिटल इन्फेक्शन कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये इन्फेक्शन जो है ये कहाँ से आते हैं, ये पेशेंट के अपने नॉर्मल फ्लोरा से भी आ सकते हैं, क्रॉस इन्फेक्शन भी हो सकता है किसी भी मेडिकल पर्सनेल से, क्रॉस इन्फेक्शन हो सकता है पेशेंट टू पेशेंट, हॉस्पिटल एनवायरनमेंट से हो सकता है, उसमें मुख्तलिफ इनएनिमेट ऑब्जेक्ट से, एयर है, वाटर है, डस्ट है, आईवी फ्लूइड्स है, मुख्तलिफ कैथेटर्स है, वॉश बाउल्स है, बेड पैन्स है, ठीक है, एंडोस्कोप से, वेंटिलेटर्स है, रेस्पिरेटरी इक्विपमेंट्स है, जितनी भी इक्विपमेंट जो है वो यूज हो रही है पेशेंट के ऊपर इक्विपमेंट्स, वो इक्विपमेंट से वहां से इस पेशेंट को जो है वो इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो है वो इसके सोर्सेस क्या है, तो इसके दो तरह की सोर्सेस है, एक जो है वो एंडोजेनस हो सकते हैं और एक जो है एक्सोजेनस हो सकते हैं। एंडोजेनस ये कि आपका अपना नॉर्मल फ्लोरा जो है वो आपको डिजॉल्व सोर्स है, ठीक है। एक्सोजेनस ये है कि और पेशेंट स्टाफ मेंबर से, किसी एनवायरमेंट से, किसी एनिमेट ऑब्जेक्ट से वगैरह से आपको इन्फेक्शन हो गया, तो ये एक्सोजेनस सोर्स है, ठीक है। अब अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम देख ले तो इसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो आपको हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन जो है वो कॉज कर सकता है, ठीक है। लेकिन मोस्टली वो ऑर्गेनिजम्स करते हैं जो कि रेजिस्टेंस होते हैं एंटीबायोटिक को, डिसइंफेक्टेंट को रेजिस्टेंट शो करते हैं, मोस्टली जो है वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, जिसमें स्ट्रेप्टोकोकस इपिडर्माइटिस आईवी इन्फेक्शन के थ्रू जो है वो, अगर कोई आईवी पास कर रहा है और उसने जो है वो प्रॉपर उस जगह को स्टरलाइज नहीं किया, डिसइंफेक्ट नहीं किया, उसने आईवी पास किया तो हो सकता है ये इन्फेक्शन। इसरिशिया कोलाई है, ठीक है, यूरिनरी इन्फेक्शन जो है वो कॉज कर सकता है कैथेटराइजेशन के थ्रू या किसी और चीज की, कट वगैरह लग गया, ठीक है। पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो है वो, और या इसके अलावा कुछ पैथोजेनिक बैक्टीरिया वगैरह हो सके जो ये नहीं देखते कि होस्ट का स्टेटस क्या है, लेकिन वो अगर एपिडेमिक है या स्पोरेडिक है, स्पोर्स वहां पे पड़े हैं तो आपको डिजीज जो है वो कॉज कर
कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें मुख्तलिफ बैक्टीरियाज आती है, स्टेप्टोकोकाई है, स्टेप्लोकोकाई है, क्लास्ट्रोडियम टेटनी वगैरह, ये सारी चीजें स्पोर्स वगैरह बनाते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जो है वो आ सकते हैं। हमने स्टेप की बात की थी कि हर चीज में जो है वो स्टेप है, स्टेप्लोकोकस ऑरियस है, स्टेप्लोकोकस है, ठीक है। तो स्टेप्लोकोकस ऑरियस को हम आजकल जो है वो हॉस्पिटल स्टेप बोलते हैं, हॉस्पिटल इन्फेक्शन बोलते हैं। जिस तरह अगर हॉस्पिटल बैक्टीरिया क्यों कहती है इसे, इसलिए कहते हैं कि अगर आप हॉस्पिटल का स्टाफ भी देखो ना, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, चाहे वो सपोर्टिव स्टाफ है, चाहे वो जो है वो डॉक्टर्स है, नर्सेज है, कोई भी है, मोस्टली जो है वो लोग उनके क्लॉथ्स पे, उनकी चीजों पे जो है वो आपको स्ट्रेप्टोकोकस मिल सकता है, क्योंकि स्ट्रेप्टोकोकस ओरियस जो है वो आजकल बहुत ज्यादा है हॉस्पिटल्स के अंदर, और नोसोकोमियल इन्फेक्शन जो है बहुत ज्यादा कॉज करते हैं। इसके अलावा कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, कोई भी आपको हॉस्पिटल रिक्वायर्ड इन्फेक्शन जो है वो कॉज कर सकता है। मुख्तलिफ मोड ऑफ ट्रांसमिशन अगर हम देखें तो इसमें सबसे पहले कॉन्टेक्ट आता है। कॉन्टेक्ट जो है वो मोस्ट कॉमन रूट है, हैंड से हो सकता है, क्लोदिंग से हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा जो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट जितनी भी है, एंडोस्कोप है, ब्रोंकोस्कोप है, सिस्टोस्कोप है, इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह जितनी भी है उससे हो सकता है। एयरबोन अगर हम देख ले तो ड्रॉपलेट से हो सकता है, डस्ट से हो सकता है, एरोसोल से हो सकता है, ठीक है। ड्रॉपलेट्स किस तरह है, ठीक है, हमने जो है कोई चीज इनहेल किया, डस्ट से हो सकता है। इसके अलावा जो अगर हम एरोसोल्स की बात करें, ये जितने भी नेबलाइजर्स है, ह्यूमिडिफायर्स यूज होते हैं, एसी वगैरह यूज होते हैं, इन चीजों से अगर इनके अंदर स्पोर्स मौजूद है तो इससे भी हमें डिजीज हो सकती है। ओरल रूट अगर हम देख ले तो ओरल रूट में जो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया कुछ ओवर हॉस्पिटल फूड के अंदर, अगर हम हॉस्पिटल में खाना कुछ खा रहे हैं, ठीक है, उससे हमें हो सकता है। पेरेंटल रूट ये है कि सिरिंजेस या नीडल्स वगैरह से हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा हॉस्पिटल एक्वायर्ड, हर हॉस्पिटल के अंदर जो एक कमेटी होती है जिनको हम HICC बोलते हैं, हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी, ठीक है, इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी होती है। उसमें काफी सारे उनकी एक अपनी टीम होती है, चीफ एग्जीक्यूटिव या जो हॉस्पिटल का सुपर जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है या जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर है वो एक वो चेयरपर्सन होता है। इसके अलावा एक क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट होता है जो कि इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफ ऑफिसर होता है, उनके साथ एक इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स होता है, ठीक है। इन्फेक्शियस डिजीज फिजिशियन अगर अवेलेबल भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो मेडिकल ऑफिसर, मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर, रिप्रेजेंटेटिव हर एक स्पेशलिटी से, ये सारे लोग जो है वो एक साथ काम करके इन्फेक्शन को कंट्रोल करते हैं। सबसे पहले ये लोग पॉलिसी बनाते हैं, ठीक है, उसके बाद उनको रिव्यू करते हैं, एक रिव्यू करते हैं, हॉस्पिटल का सर्वेलेंस करते हैं, ठीक है। डिफरेंट एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स को के बारे में ये बताते हैं कि उनको यूज कैसे करना है, प्रॉपरली स्टरलाइजेशन कैसे करनी है, डिसइंफेक्शन कैसे करना है, ठीक है। इसके अलावा प्रैक्टिस को असेस करता है, प्रमोट करते हैं, उनको कोशिश करते हैं कि ये प्रमोट हो जाए। इसके अलावा डेटा वगैरह लेते हैं, वो इन्फॉर्म करते हैं, सर्वेलेंस डेटा जो है वो आगे वो अथॉरिटीज को देते हैं, ठीक है। स्टाफ की जो है वो ट्रेनिंग करवाते हैं, सेफ्टी को मैनेज करते हैं, अपना एक इन्फेक्शन कंट्रोल मैनुअल बनाते हैं। उस मैनुअल के अंदर वो लोग सारा कुछ जो है वो एंटर करते हैं कि ये इन्फेक्शन है, इनके ये प्रोटोकॉल्स है, इस तरह इनसे बचना है, ये सारी चीज़ें उनका काम है, ठीक है। सारी चीज़ें बताती है कि हॉस्पिटल इन्फेक्शन को आपने किस तरह कंट्रोल करना है, कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करनी है, कौन कौन सी जो है वो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स यूज़ करने हैं, कहाँ कहाँ भी यूज़ करनी है, ठीक है। इसके अलावा जो है अगर शॉप से आपके पास तो आपने कहाँ वेस्ट करनी है, बाकी अगर इन्फेक्शियस वेस्ट है तो कहाँ वेस्ट करनी है, नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट है तो कहाँ वेस्ट करनी है, किसी की ऑर्गन्स वगैरह है तो वो कहाँ वेस्ट करनी है, ये सारा काम होता है, ठीक है। उसके बाद हैंड वॉशिंग जो है वो हमने मिनिमाइज कैसे करना है, हम अगर हैंड वॉशिंग कर ले, प्रॉपरली चीज़ों को हैंडल कर ले, ठीक है, हर चीज़ के ऊपर जो है वो लेबल कर ले, ग्लव्स यूज करें, मास्क यूज करें, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है वो सही तरह यूज करें तो हम बच सकते हैं। तो ये एक शॉर्ट रिव्यू था नोसोकोमियल इन्फेक्शन का, ठीक है। अब इसमें मुश्किल क्या है, स्टेप नहीं कहते, ये हमने एक तंजिया कहा हॉस्पिटल टीम को हिरासत पर, ये जो स्टेप कहा है ना, ये एक फनी पिक्चर है, हॉस्पिटल स्टाफ है, वो स्टाफ के ऊपर उन्होंने लिखा स्टेप। स्टेप इसलिए लिखा है क्योंकि हॉस्पिटल में हर जगह स्टेप्लोकोकस मौजूद है, तो उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल टीम के हर एक के ऊपर जो स्टेप्लोकोकस ओरियस मौजूद है, बहुत ज्यादा होता है हॉस्पिटल में, इसलिए स्टेप कहा गया है, ठीक है। ठीक है,
अक्साना जी क्वेश्चन पूछ रही है, किस चीज का बता दूं ये वर्ल्ड कहाँ पे है, पहले मुझे ये बताओ, मैं उसके हिसाब से एक्सप्लेन कर लूँ ना। वैसे तो ग्रोइन जो आप पूछ रहे हो, ग्रोइन एरिया होता है, ठीक है, जो हमारा पेल्विक रीजन है ना, इसे हम ग्रोइन एरिया कहते हैं। बिटवीन द हिप जो एरिया है उसे हम ग्रोइन एरिया कहते हैं, ठीक है। इस चीज की ग्रोइन की बात कर रही हूँ, वो आप क्वेश्चन जो है वो एक दफा रिपीट करते हैं, ठीक है। अच्छा कॉमन नोजोकोमियल इन्फेक्शन, टीबी हो सकता है, निमोनिया हो सकता है, मोस्टली ये होती है, ठीक। हर एक इन्फेक्शन के एजेंट का नाम रखना इजी है, इतना मुश्किल नहीं है, कुछ कॉमन आप लोगों ने याद रखने हैं बस। कल अगर मुझे लेक्चर मिला तो मैं इम्यूनिटी रिवाइज कर लूंगा, फिर हम इम्यूनिटी जो है वो रिवाइज कर सकते हैं, अगर नहीं मिला तो कोई इशू नहीं। जी लुबाइना क्या पूछ रही है आप, लेक्चर ले लूँ, अगर लेक्चर मिल गया तो ले लूंगा लेक्चर, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। कॉमन सेल्स का मतलब क्या है? कॉमन सेल्स का मतलब है दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं, कॉमन सेल इज एसोसिएशन, ठीक है। कॉमन सेल एक ऐसा एसोसिएशन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे से फायदा ले, सिर्फ फायदा ले, नुकसान ना ले, उसको हम कहते हैं कॉमन सेलिज्म। एक होता है पैरासिटिज्म, एक कॉमन सेलिज्म। पैरासिटिज्म का मतलब ये कि फायदा भी ले और नुकसान भी दे, कॉमन सेलिज्म का मतलब ये कि सिर्फ फायदा ले रहा है, उसे नुकसान नहीं दे रहा, ठीक है, इसे कॉमन सेलिज्म कहते हैं, ठीक है। अक्सा नजीर समझ आ गई आपको कॉमन सेल्स क्या होते हैं? कॉमन सेल्स दो ऑर्गेनिज्म जब एक साथ रहते हैं, एक ऑर्गेनिज्म उससे फायदा ले रहा हो लेकिन नुकसान ना दे रहा हूं, ठीक है, उसे कॉमन सेलिज्म कहते हैं। पैरासिटिज्म ये कि उससे फायदा भी ले और नुकसान भी दे उसको, ठीक। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? ठीक है, और कोई क्वेश्चन? चलो मैं भी देखता हूँ ना कि किससे मैं लेक्चर ले सकता हूँ, तो जिससे मैं लेक्चर ले सकता हूँ उनसे मैं लेक्चर ले लूंगा, कोई इशू नहीं है। आप लोग अब मुझे ये बताओ कि किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। नो मोर क्वेरी, देख लो जिसका जो क्वेश्चन है वो पूछ लो, एग्जाम से पहले ये सारी चीजें जो है वो क्लियर कर लें,
ठीक है, ताकि बाद में आप लोगों को एग्जाम में इश्यू ना हो। ब्रेक में देने लगा हो, बस मैं भी चाह रहा हूँ ब्रेक ही ब्रेक है। ठीक है, अगर किसी का कोई और क्वेश्चन हो तो वो पूछ लो आप लोग। हॉस्पिटल एसोसिएटेड इन्फेक्शन, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, हॉस्पिटल इन्फेक्शन सब एक ही बात है, ठीक है, एक ही चीज है, कोई इशू नहीं है इसमें। कैसे ना तो पूछ रहे आप लोग। ठीक है, तौसीफ का क्वेश्चन आया, डायरेक्ट स्मेयर एग्जामिनेशन क्या है? डायरेक्ट तो डायरेक्ट हो गया, तीन वर्ड्स है, डायरेक्ट स्मेयर और एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन स्मेयर का मतलब क्या है? स्मेयर जो है वो हम एक गाढ़ा सा सब्सटेंस बनाते हैं, ठीक है, एक विस्कस मटेरियल बनाते हैं जिसके ऊपर हम अपना जो जो हमने स्मेयर लिया है, जो या जो हमने कल्चर लिया है, ठीक है, उस चीज को उसके ऊपर डाल के हम स्टडी करते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं डायरेक्ट स्मेयर एग्जामिनेशन। ठीक है, स्टिकी सा सब्सटेंस होता है, ठीक है, स्मेयर। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर ब्लड स्मेयर ले लेता हूँ, ठीक है, ब्लड भी एक स्मेयर है, ठीक है ना, थोड़ा सा ब्लड में लेके उसके ऊपर एक ग्लास स्लाइड के ऊपर जो उसे डाल देता हूँ, ठीक है, और फिर उसको मैं एग्जामिन करता हूँ, ठीक है, उसके में कुछ स्पेशलाइज स्टेन वगैरह भी मिक्स कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे नहीं है, कोई भी आप जो है वो कल्चर ले लेते हो, कल्चर या कोई भी जो है वो आप सैंपल ले लेते हो ना, उस सैंपल को आप क्या करते हो, आपको वो आप जो है एक ग्लास के ऊपर, ग्लास स्लाइड के ऊपर डाल लेते हो और उसमें मुख्तलिफ चीजें जो है वो डाल लेते हो, आपके पास मुख्तलिफ जो है वो केमिकल्स होते हैं वो आप डालते हो और फिर उसको एग्जामिन करते हो, ठीक है, उसे कहते हैं डायरेक्ट स्मेयर एग्जामिनेशन। और कोई क्वेश्चन? चले, अगर किसी का और कोई क्वेश्चन है तो आप लोग ग्रुप में भी पूछ सकते हो, ठीक है, चले आप लोग अब ब्रेक कर लो, और किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो सिर्फ आपको समझ आ गई है, चले ओके वेरी गुड, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग ग्रुप में पूछ लो, ठीक है, कोई इशू नहीं है। आई थिंक अदील ने क्वेश्चन कल पूछा था, अदील आपके क्वेश्चन का मैं आज आंसर कर लूंगा, ठीक है, मैंने अभी देखा नहीं है, मैं देखता हूँ, ठीक है। मैं अपने व्हाट्सएप में मैंने हमें मैसेज किया था लेकिन मैंने आपकी मैसेज अभी तक देखा नहीं है, मैं मैसेज देख के आपको रिप्लाई कर लूंगा, ठीक है, आपकी क्वेश्चन का मैं आंसर कर लूंगा। ओके चले, ओके, अल्लाह हाफिज, और अपना ख्याल रखिए, और आप लोग सुकून से पढ़ें, माइक्रो मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, किसी भी चीज में कोई भी इशू हो तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है,
ओके, अल्लाह हाफिज़।